चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मुआवजे का मामला भी आर्बिट्रेशन में उसमें गए हुए हैं, कुछ चकबंदी के इशू हैं। यहाँ पे किसान आ रहे दो दो तीन तीन बीघे के किसान, कहाँ यहीं खड़ा था वो, ये रहा क्या करेगा भैया, किसी के लड़ाई लड़ लगा। एक तरफ तो पूरी सरकार मंदिरों पर उस पर लग रही, सरकारी राम को भी सरकारी बना दिया, और एक तरफ ये है कि किसी ने अगर मंदिर गांव में बना लिया तो वे मंदिर तोड़े जा रहे। ये बहका के सरकार के लोग आपको फ्री में अयोध्या ले जाएंगे, इनके चक्कर में नहीं आना। एक दिन अयोध्या का हम ही प्रोग्राम रखेंगे, वहां पे समीक्षा मीटिंग रखेंगे अयोध्या की, फैजाबाद की, तो जब चलना। और अगर कोई सरकार के लोग किसी के ट्रक पर फ्री चलवाएंगे तो फिर हमारे भी चलेंगे, ध्यान से सुन वाला मैटर है ये। तो ये तीन चार गाँव जाका हेड़ी पीनड़ा यही जानते हैं कि किस समस्या से ये गुजर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसानों, पत्रकार बंधु और हमारे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दो तीन इशू है यहाँ के। एक तो लड़कियों का स्कूल है तो यहाँ पे ऊपर से ब्रिज चाहिए। वो अधिकारी है यहाँ पे, कहाँ है, आ जाओ ऊपर, आ ऊपर, आ ऊपर, आ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ। हाँ, बहुत खतरनाक गांव है दोनों। हाँ, इन्होंने ये कहा कि ऊपर का हम काम शुरू करवा देंगे, थोड़ी सर्दी सी है ये, थोड़ी सी 5-7-10-15 दिन बाद में, यही है। हाँ, तो ऊपर का हो जाएगा तो लड़की वालों का तो ये समाधान हो जाएगा। लेकिन एक चीज हो रही है, ये स्कूल कमेटी का होगा, ये जमीन तो महंगी बिक जाएगी। कमेटी के लोग, मेरा सलाह है हमारी, इसकी जगह तो कहीं दूसरी जगह ले लो, ना तो बच्चे पढ़ेंगे, इतना ट्रैफिक इस पर कुछ लगा, जगह तो कहीं पीछे ले लो और ये ठीक बिक जाएगी, क्योंकि इतना नजदीक चलता नहीं स्कूल, तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि स्कूल में भी जो कमेटी के लोग हैं वो बिल्कुल बातचीत करें आपस में बैठ के कि हम इसकी 500 मीटर 600 मीटर पीछे कहीं जगह ले लें, वहां पर बनावे, एक तो शांत जगह स्कूल होगा, बढ़िया चलेगा, थाने में हूं, और ये ठीक उसमें चली जाएगी जमीन, दुकान बन जाओ, बन जा, कोई घर घेर बनाना हो तो अच्छी चल जाएगी। और इन्होंने कहा कि हम रास्ता इसके ऊपर को बन जाए, क्योंकि दोनों गांव आपस में क्रॉस करते हैं, वो हो जाएगा। दूसरा अंडरपास दोनों तरफ, नहीं सर्विस रोड, सर्विस रोड दोनों तरफ, क्योंकि रोंग साइड से ही जो जागा हेड़ी के लोग होंगे, रोंग साइड से जाकर पुल के नीचे से निकल कर मील पर चले जाएंगे, ऊपर को क्रॉस नहीं कर सकते सीधे, और नाला साइड में, तो दोनों तरफ ये बन जाए, ये भी उन्होंने बात करी कि हम उसको करवाएंगे। और एक जो मामला बड़ा रह गया वो पीने वाला है, कई महीने से धरना चल रहा, टिकट साहब भी आए, हम सब लोग भी वहां पर आए, अधिकारी भी बहुत जा लिए, क्या टेक्निकल इनकी वो है, क्यों नहीं बन रहा। ये है कि उसकी हाइट थोड़ी सी, भाई थोड़ी सी कम कर दो, ज्यादा बड़ी ना, तो ट्रैक्टर ट्रॉली दूसरी साइड से निकल जाए, जो अगर बड़ा वाहन है, कोई ट्रक पुरक है, बस है, छोटा वहां से निकल जाए तो भी जाएंगे, अधिकारी भी जाएंगे, एक बार इनकी भी बात समझ लें। इन्होंने दूसरी तरफ से भी बताया कि दूसरी तरफ से भी एक रास्ता है, अगर वो हो जाए तो उसका निकल जाए दोनों तरफ, हम उस पर सर्विस रोड दे दें वहां से, और जो आगे जा रहा चरथावल वाला रोड उस पर, क्योंकि पुल की जरूरत, एक थोड़ा पुल की जरूरत तो वहां पर भी पड़ेगी, ये सारा ही रोक कटेगा, इसे ठाकर दोनों को ही पार कर दो तो भाई धन्यवाद आपका सबका, सारा ही रोक कट जाएगा बिल्कुल आगे लोग का, नहीं तो ये 2 साल बाद बनाना। पीना गांव भी बहुत बेढब गांव है, पीना गांव तो सारा आंदोलन यहीं से चलता था, पीने से ही, बिजली का हो वो हो, ये वैसे ही गांव लगे, ये शहर की बिजली ले और सारा इकट्ठा हो जाए, तीनों प्रधान एक जगह ही आ जाए आगे पीने के। तो ये मामले हैं, और तो अपना भाई चलाओ, ये पीली लाल प्लेट वाले आओगे भाई, कोई ठेकेदारी मत लेना इनकी, ये टोल पे को हम फ्री चलेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कोई कॉमर्शियल वाहन है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब वो कहीं आंदोलन में धरने प्रदर्शन में कहीं जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी है, वैसे व्यापार रोज कर रहे तो चाहे नजदीक का हो, जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स का पालन करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई जिम्मेदारी किसी की लेना,
कुछ लोगों को पता चला कि वे ट्रक आ रहे रेते के बजरी के, कह लगे जी यो मेरा चल रहा, यो मेरा चल रहा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई किसी की भी, टोल पर रेत का चलो चाहे किसी का उसका चलो। और अगर कोई सरकार के लोग किसी के ट्रक पर फ्री चलवाएंगे तो फिर हमारे भी चलेंगे, ध्यान से सुन लेना भाई। अगर उनके चलेंगे तो फिर अपने भी चलेंगे फिर, लेकिन पीली प्लेट और उसका भी ट्रैक्टर फ्री है, आपस के जो किसान है यहाँ के वे सब फ्री है। और अपना बैठ के अधिकारी यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे मुआवजे के मामले हैं बहुत, तो मुआवजे का मामला भी आर्बिट्रेशन में उसमें गए हुए हैं, कुछ चकबंदी के इशू हैं। यहाँ पे किसान आ रहे दो दो तीन तीन बीघे के किसान, कहाँ यहीं खड़ा था वो, ये रहा क्या करेगा भैया, किसी के लड़ाई लड़ लगा, ये अधिकारी को कह सकता है या फिर संगठन के लोगों को कहेगा। तो जो ये मामले हैं ये निपटाओ। तीन बीघे जमीन गई 500 मीटर के रेंज में है बिल्कुल, उससे मुआवजा ठीक मिलना चाहिए, अब मिला नहीं। तो जो भी इस तरह के मामले हैं वे निपटाने का काम करे अधिकारी, इनका समाधान निकाल लो। और धरना तो ये एक धरना का तो एक ही दिन की होगी आप परमानेंट ना चल, एक दिन का ही है ना। हाँ नहीं ठीक है, तो जगह तो ठीक आई गई, इससे बढ़िया तो जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन ये आंदोलन भाई जब चलते हैं ट्रैक्टर पे एक आधे पे ट्रोली वो बना लो, झोंपड़ी, झोंपड़ी बनाओगे तो कम से कम लकड़ टोल वाला देगा या सरकार देगी। तो एक आध दिन कोई बाजरे की रोटी बनाओगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, पहले बना के दिखाओ तो खुआ गए। झोंपड़ी बनेगी, टेंट बनेंगे ना, यहाँ बारिश का दुख था, बढ़िया पक्की जमीन है। कहाँ पे है मामला भाई, जो कुछ है वो लिख कर दे दो सारा। देखो जब तो कोई कुछ करता नहीं, जब तो पैसे लिए और जो कुछ है जेब में घेर कर, फिर कह लगे आंदोलन तो अपना लड़ेंगे, फिर पहले ले लो। और फिर ये दिक्कत उनको होती है जो जो बाहर से गांव वाले आते हैं, चढ़ाई होगी ज्यादा, दिक्कत झोटे बुग्गे वालों को जो पीछे गांव में रहते हैं उनके हैं, जो सड़क के नजदीक आ गए उनको तो ही नहीं। तो ट्रैक्टर ले लिया उन्होंने, बढ़िया मुआवजा मिला, ट्रैक्टर ले लिया उन्होंने, तो वह फटाफट जाके चढ़े। अपना एक काम और कर लिया भाई, दहेज में ये जो गाड़ियां ले रहे हैं इनको तो कर लो बंद, और ये ट्रैक्टर लेन देन कर लो। ट्रैक्टर दहेज फ्री है, जैसे कोई ना टैक्स फ्री होता है कोई चीज, तो दहेज में अगर ट्रैक्टर का लेन देन होगा तो वो दहेज फ्री है, उसको दहेज में नहीं गिना जा। हाँ सामाजिक हिसाब से हमने बहुत विचार विमर्श करके ये फैसला हुआ, कह ले भाई ट्रैक्टर तो मेरिट में नहीं दिया ट्रैक्टर। एक ने अपनी लड़कियों को, 7 लड़की थी, 7 को दिए नए ट्रैक्टर। कम दे और नहीं हो रहा, माटी ढोएंगे काम तो करेंगे अपने, और अपने इन पर ट्रैक्टर पर भाई को 32-33 भी लगा ले करो इन पे क्या मैंने। 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होगा 10-11 बजे के आसपास तक अपने ब्लॉक स्तर पे है वो करना। 16 फरवरी को बंद है, तो एक दिन किसान भी बंद का झटका तो मार लेंगे, मील भी कम से कम बंद हो जा एक दिन ना तो लोग करना, या नहीं पूरा सब लोग बंद करें भाई। किसान लॉकडाउन है, एक दिन पहले दिन अपना घास पत्ता ले आओ, पशु का अपना काम करो, घर की साफ सफाई करो। एक दिन खेत में काम नहीं करना तो इसमें लेबर, मजदूर, ट्रांसपोर्टर सब लोग इसमें साथ देंगे, भारत बंद है, उस दिन अपना ध्यान रखना। और मार्च में 14 मार्च का अपना दिल्ली प्रोग्राम है, उसके बीच में हम गाँव में आएंगे, और पीने वाला है हम अधिकारी और हम सब लोग जा रहे हैं, एक बार उसके सर्वे करेंगे आज कहाँ से कहाँ तक है सारी चीजें। और भाई हमने कह दिया अधिकारी यहाँ पे है भाई, इसकी 2 फुट हाइट घटा लो, और क्या करो भाई, बड़ा ट्रक पर होगा वही वो लिकट जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर छोटा वाहन और वो लिकट जाए वहां को, एक बार जाके देखेंगे। एक रास्ता नाले पर को भी बताया उसकी कितनी दूरी पड़ती है, दोनों तरफ सर्विस रोड कितनी पड़े, एक बार सारी जगह के चक्कर काट के कुछ 5-7 लोग पीने के होंगे जो बताओगे, अधिकारी है हम लोग भी है, तो वहां को एक बार चल रहे वही चल रहे।
एक बार जाकर देख देख ले एक बार क्या क्या है। आ जा भाई कहाँ है बुड्ढा खेड़ा क्या है। अच्छा एक हाँ जी एक वहां पे अनशन पे बैठे एक तरफ तो पूरी सरकार मंदिरों पर उस पर लग रही सरकारी राम को भी सरकारी बना दिया और एक तरफ ये है कि किसी ने अगर मंदिर गांव में बना लिया तो वे मंदिर तोड़े जा रहे। बुड्ढा खेड़ा गांव का मामला है एसडीएम साहब आप एक बार जाओ वह मंदिर ही तो बनाया है कोई मां शराब का ठेका किसी ने थोड़ा खोल लिया भाई भगवान का मंदिर बनाया। और एक चीज और ध्यान रखना भाई ये बहका के सरकार के लोग आपको फ्री में अयोध्या ले जाएंगे इनके चक्कर में नहीं आना। एक दिन अयोध्या का हम ही प्रोग्राम रखेंगे वहां पे समीक्षा मीटिंग रखेंगे अयोध्या की फैजाबाद की तो जब चलना इनके चक्कर में नहीं आना। एक दिन तो मैं नुहा देंगे वहां पे बस ठीक है। हाँ भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रेल फ्री रहेगी अयोध्या की तो रेल फ्री है परमानेंट। नहीं नहीं ठीक है एक दिन का बता दे इनके चक्कर में आए ये इनका प्रोग्राम है कि यहाँ से लोगों को बहका के ये वहां तक रोज लेकर जाएंगे इनके बहकावे में बताना बस हम अपना रखेंगे प्रोग्राम ठीक है अपना रखेंगे प्रोग्राम आपको चलेंगे और उस दिन सारे चलेंगे। ठीक है रे चलो अधिकारी बैठे आज नहीं करते नहीं इनके सामने नहीं करते बात। अच्छा वो अधिकारी आ रहा कहाँ है पीडब्ल्यूडी वाला एनएच वा आ जा रुक जा इसकी बात सुनेंगे आज आ जा आगा आगा। अरे नहीं मैं क्यों बोल रहा भाई बोल ये नु गए मेरे पे बोलना नहीं आता मैं काम सिखाऊंगे लेट ट्रेनिंग क्या क्या काम करवाओगे बता बता बोल जोर का बोल आगे बोल। अभी जैसा कि सर से बात हुआ है तितावी और जगह हेड़ी में जो इश्यूज हैं उसको लेकर के तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जल्द से जो है उसमें अभी तितावी और जो जगह हेड़ी के लिए इशू जो है उस सर से बात हुआ है अभी दोनों साइड से जो सर्विस रोड है और ऊपर वाला जो पुल है उसके लिए उसको लेकर के तो मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जल्द से जो है उसमें काम शुरू होगा मतलब नेक्स्ट मंथ से जो है हाँ थोड़ा सा मौसम बैलेंस हो जाएगा तो उसमें जल्द से जल्द काम शुरू कर देंगे। इन्हें अपना ऑफिस बता दे कहाँ है ऑफिस के ढूंढ रहे गांव वाले ऑफिस बुझे कहाँ है इनका। हमारा जो ऑफिस है वो एनएचआई बागपत बागपत है बड़ौत रोड पे फ्रेंड्स कॉलोनी में। नहीं नहीं कोई नहीं बकाना कोई नहीं अब अच्छा चलो करें करेंगे कोई दिक्कत नहीं अभी एक बार पीने वाला देख लो वहीं चल रहे हम वहीं अधिकारी भी साहब वहीं आ रहे कुछ लोग वहीं पीने ही मिले वहीं धरने पे ही